खगोलविद अब एक नए शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से दो मृत सूर्यों की टक्कर को देख सकते हैं। साल 2017 में शोधकर्ताओं ने अचानक इसी तरह के दो मृत न्यूट्रॉन सितारों के टकराने की स्पेस एनर्जी का पता लगाया था। इसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि इस तरह के टकराव से ब्रह्मांड में मौजूद सोने और प्लेटिनम का उत्पादन होता है। अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टेलीस्कोप विकसित किया है जो इन घटनाओं को बारीकी से देख सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप का निर्माण किया है, जिसे गोटो यानी ग्रेविटेशनल वेव ऑप्टिकल ट्रांजिएंट ऑब्जर्वर नाम दिया गया है। यह टेलीस्कोप ज्वालामुखी स्पेनिश द्वीप ला पाल्मा पर स्थित है, जहां से यह गहरे अंतरिक्ष में न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराव को देखने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराव से निकलने वाले प्रकाश को सिर्फ दो रातों तक देखा जा सकता है, इसलिए टेलीस्कोप को इसे देखने के लिए जल्द से जल्द खोजना होगा। न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड को समझने में मदद कर सकती है। न्यूट्रॉन स्टार्स वह खगोलीय पिंड होता है जिसका आकार किसी शहर के बराबर होता है और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 1.4 गुना अधिक होता है। इन सितारों का द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है कि यहां एक चम्मच का वजन 1 अरब टन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन तारे पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 2 अरब गुना अधिक होता है। जब हमारे सूर्य से 4 से 8 गुना बड़े तारे एक सुपरनोवा में विस्फोट होते हैं तो ये न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। न्यूट्रॉन सितारों में इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वह एक दूसरे की ओर ही खींचे चले आते हैं और आखिरकार एक दूसरे से टकरा जाते हैं।